भाई साहब हालत पूरी खराब हो चुकी है कसम से भाई, मतलब पूछ मत, पैर में इतने कांटे चुभे ना। सीन पहाड़ चेक करो गाइस, फोन गिर जाएगा यार। यार मैं आपको पार जाके दिखाता हूँ यार, ऐसे तो रिस्की है। ए एक फोटो खींच बढ़िया करके, फोटो खींच। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तित्याल जी व्लॉग। सो इट्स निशिल ओवर हियर। सो आज के एपिसोड में हम पूजा दिखाने वाले हैं, जो कहते हैं हमारी जो पूजा है संगमिसा की पूजा। तो जिन लोग को पता नहीं संगमिसा बेसिकली क्या है, वो हमारी माता जी आप बताएंगी, लेते हैं मम्मी जी को प्रेम में। सो भाई साहब खाने की तैयारी, मम्मी क्या बनाया? छम्मा, कौन सा छम्मा? भाई मुझे तो नहीं पता है, बेलब बावल। हाँ मम्मी, तो मेन टॉपिक ये है संगमिसा पूजा का, आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो संगमिसा पूजा आप बताओगे क्या होता है? संगमिसा मतलब अमीर देवता, अमीर अच्छा? देवता पुराने जमाने में वो देवता जिस दिन उसको उसकी पूजा होनी होती थी, अगले दिन प्रोग्राम करते थे, पूजा होना है करके बातें करते थे। तो दूसरे दिन जाने से पहले वहाँ पर थान में जाने से पहले वो सारा अपना जितना भी पूजा पाठ में बर्तन वर्तन पकाने पकोने का जो लगता वो सब रख देते थे, निकाल के भगवान खुद देवता अपने आप। हाँ, फिर गांव वाले जाके पूजा पाठ करके खा पी के अपना सारा पूजा संपन्न करके दहो दो के साफ सफाई करके रख देते थे और वो जो अपना संभाल लेता था वो खुद हर साल ऐसे ही होता था। हाँ, मतलब वहाँ बर्तन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बर्तन अपने आप आ जाते, खाने के सारे बर्तन अपने आप आ जाते थे। हाँ, तो ये कितने टाइम पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं होता, जब हम गए थे तब तो ऐसा नहीं होता। अब नहीं होता ना, तो किसी का कुछ हो गया होगा, किसी ने कोई गलत काम कर दिया होगा। अच्छा, तो ये कितने टाइम पहले की बात है, बर्तन वर्तन अपने आप आ जाते थे? पता नहीं होगा, 40-50 साल पहले की बात होगी, तब तक के लोगों के टाइम की बात होगी। अच्छा, तो चलो गाइस ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर। सो गाइस अभी अपन हो गए तैयार, मतलब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं ऊपर पूजा करने की तरफ, हम भी उठाते हैं। क्या बोला मम्मी, कौन सा पूजा? संगमिसा पूजा। तो अब चलते हैं, कंधे में लकड़ी का कट्टा उठाओ, चलो पापा और मम्मी आएंगे थोड़ी देर में, पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है। सो अभी थोड़ा यार पप्पू पप्पू का इंतज़ार कर रहे, पप्पू पप्पू आते तो बता दे कौन सा कहाँ क्या करना है। चलते हम धीरे धीरे मंदिर की ओर। छोटा बकरी मैं, सो अभी चलते ऊपर की ओर। पप्पू वो तो नहीं आया अभी तक, ऐसा मौसम खुल गया ना, पहाड़ देखो। सो अब चल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। अभी तक पू नहीं आया यार। अच्छा बेसिकली हमारे वहाँ पू मतलब बड़े भाई को पू बोलते हैं दादा, पू इन दरमानी लैंग्वेज, पू मतलब दादा, और दीदी को अता। सो वैसे पता मुझे यहाँ मास्क लगाना चाहिए, यहाँ की स्मेल ना मतलब बहुत साफ, बहुत प्यारी स्मेल आती है यहाँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ओ, ये देखो कौन आ रहा है, अपने रोहित चाचू। अपन भी चलते हैं। मेरे को तो आवाज साफ आ रही है, आप लोग को आ रही है दमे की आवाज? नहीं आ रही है तो आ जाएगी। जिन लोगों को
पता नहीं दमे मतलब क्या होता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्या होता है, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा, आप लोग को दिखाता हूँ। तो इधर होगी पूजा, ठीक है, तो मैं शायद आप लोगों को पूरा ना दिखा पाऊँ, थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ेगा क्योंकि थोड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं मालूम है ना, तो समझा करो। रुको आदेश। गाइस हम आज हम यहाँ पर, नमस्कार दोस्तों, सो जैसा मैंने बोला था कि मैं दमे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब आप देख ही लीजिए। आदेश ये अंदर कितने डाला है? So, अभी हम जा रहे हैं आलम लेने। बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं है आलम मतलब क्या होता है, ये आप सारे पेड़ देख रहे हो ना हमारे वहाँ, ये पेड़ को काट के आलम बनाया जाता है, तो दिखाते हैं आपको आगे आलम कैसा रहता है। एक बार गिर के गिरने वाला था मैं, देखा आप लोगों ने? ओ भाई साहब, कौन लगे नदी पार करना है, कैसे होगा? पहले ये सब ऊपर कर लेते हैं। पार करेंगे आराम आराम से। अरे चाचू आराम से आराम से। भाई पानी कतई ठंडा है वे। अबे मैं फोन लेके कैसे जाऊंगा बे पार यार, मेरे लिए तो मुश्किल है फिर पार जाना। यार एक काम करता हूँ, मैं फोन किसी को पास करा देता हूँ उधर। आजा छोटे भाई आजा। सुरनपुर ने वहाँ से रास्ता तो बनाया, अब देखते कैसा रहता है। सीन पहाड़ चेक करो गाइस,
तो यार पहले तो मुझे अपना फोन भेजना पड़ेगा उधर। ये मनु दादा की हरकतें देखो बे। हरकतें बे शमशेर चाचा बे। आप कहाँ जाओगे? यार मैं आपको पार जाके दिखाता हूँ यार, ऐसे तो रिस्की है भाई। बड़ी मुश्किल से पार आए बे, कसम से बे। मैंने उससे पूछा कि भाई वहाँ पे पानी कितना है, मैं पैर रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा। वो गधे ने सुना नहीं, आजा आजा कह रहे है। भाई साहब मैं तो आंख बंद करके कूद गया, मेरा पैर मुड़ गया बे। अभी तो कसम से ना पानी इतना ठंडा था, सुन हो गया था, पता नहीं चला। अब क्या पता बाद में दर्द हो। चलते अब धीरे धीरे आगे आलम लेने। अरे साहब अभी अनुपू की दुकान में रुके हैं, वो लोगों के चप्पल टूटने वाले हैं, फेबे को ले रहे हो। ये पहाड़ चक्कर यार, ये अंदर चला जाएगा जल्दी। चाचू के लिए हम चाची ढूंढ रहे, कोई मिल जाए तो बढ़िया सी। व्लॉग देख रही हो तो चाची देखो, हमारे चाचू बहुत स्मार्ट है, आपके वहाँ रेड नहीं पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है हमारे चाचू। जैसा मैंने बताया था, एक ही बात है, टैक्स इंस्पेक्टर है वैसे, आपके वहाँ रेड नहीं पड़ेगी, आपसे टैक्स कम लिया जाएगा, ताला नहीं लगेगा। देख रहे हो चाची, अगर आप देख रहे हो कोई भी चाची हो मिल जाओ हमें फटाफट। कैसी चाची चाहिए आपको, मतलब आपको कैसी वाइफ चाहिए? ज़्यादा नहीं, बस सिंपल हो, खाना मिल जाए, और ज़्यादा क्या चाहिए। डिमांड देख रहे हो कितनी कम डिमांड है, कहाँ मिलते इतने आजकल कम डिमांड वाले। सो कोई चाची देख रही हो मिल जाओ यार हमें भी, संपर्क करें। एक आगे इसको भी चाहिए। हमारे मनु दादा के तो कमी नहीं है भैया, कमी नहीं, वो तो नाच नाच के, वो तो इम्प्रेशन ना, मतलब जितने भी रंग लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, आधे से ज़्यादा लोग सब जानते होंगे हमारे चाचा को। इतने फनी है, इतने प्रैंक है, मस्ती मजाक सब चीज़ में आगे नंबर वन। और समीर चाचा को रास्ता याद आया है, समीर चाचा बोले ये रास्ते से हम बचपन में गुजरते थे। देख, इसको दिखा, ना। इसको दिखा, सांसें इसकी फूल गई है, फेफड़ा फूल के तहस नहस हो चुका है इसका। बहुत चढ़ाई है बे, और पता है मैं चढ़ते चढ़ते वीडियो नहीं बना सकता, तो जैसे हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करूँगा यार, प्लीज़। भाई लोग मैं थक गया भाई, पीछे पानी पी रहा है। आलम तोड़ने आपको पता ही है, भाई ने बताया ना। तो गाइस अपने वो पंटर लोग, निंदर मालूम बा स्वर्ग मालिनी, पलचे की प्यानो खाजे नो तन्ने, धर्म संस्कृति शिशारो लीनी, रंगा चुंबाला खडंगो लीनी, धर्म रुनाला ती खलखला बोनी, पंचा चूली नई लफो मानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सारे दोस्तों परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है, और पास में बेल आइकन भी उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक सुन रहे थे वो मेरे भाई ने गा रखा है, मेरा कज़न ब्रदर छोटा भाई सीनू तित्याल उर्फ सिद्धू, तो उसका भी एक यूट्यूब पर चैनल है, वो अच्छा गाता है, तो ऑब्वियसली सिंगर है तो गाने का ही चैनल है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए उसका चैनल भी चेक कीजिए और सपोर्ट दिखाइए उसे भी और मुझे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
पार्ट में, हाँ इसका पार्ट आएगा क्योंकि अभी ये वीडियो आधी है, क्योंकि फिर मैं और डालने वाला था, फिर वो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो फिर मैंने कहा अभी इतना डालता हूँ, फिर इसका दो पार्ट बना लूँगा। तो मिलता आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले टेक केयर।